जिन्होंने हिंसा की वे सरेआम बाहर हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत में दलितों ने बंद का आह्वान किया, उस बंद के समय दलितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लेकिन उस हिंसा के का नतीजा क्या हुआ? दलितों पर ही मुकदमे हुए, दलित नौजवानों को ही गिरफ्तार किया गया, वे जेलों में डाले गए। जिन्होंने हिंसा की वे बाहर हैं। तबरेज के साथ क्या हुआ? तबरेज की मौत अपने आप हो गई। हम सब लोग जानते हैं कि आखिर हम मरते अपने आप ही हैं, लेकिन मरने के पहले मेरे साथ जो कुछ किया जाता है वो शायद मेरे मरने की वजह बनता है। अब हम कई मौकों पर मनाने लगे हैं। 1 वर्षगांठ नजीब के गायब होने की है, जो हम पिछले 3 साल से मना रहे हैं, और ये तीसरा है। तबरेज की, सुबोध कुमार सिंह की, इन सारी सालगिरहों को मनाने की जरूरत क्या है और मजबूरी क्या है? इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, वह यह कि इनमें से किसी भी मामले में, वो गौरी लंकेश का मामला हो, राहुल, वो सुबोध कुमार सिंह का मामला हो, वो तबरेज अंसारी का मामला हो, और वह नजीब का मामला, राहुल मनोरमा प्लीज सिट, इनमें से किसी भी मामले में इंसाफ दिलाने में हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की राजकीय संस्थाओं को कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बात अभी उमर खालिद ने बतलाई, और यह बात हम सब लोगों को मालूम है कि नजीब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर से गायब हुए। मैं अभी यह नहीं कहूंगा कि उन्हें गायब किया गया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन उन्हें गायब करने वाले थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मैं और आप यह नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसके साधन नहीं है। यह मालूम करने का काम जिस एजेंसी का है उसे पुलिस कहा जाता है। यह काम दिल्ली पुलिस का था, और अगर दिल्ली पुलिस यह काम ना कर सके तो उससे बड़ी एक एजेंसी है जिसे CBI कहा जाता है, एक और एजेंसी है जिसका नाम आजकल बार बार आप सुनते हैं, उसे NIA कहा जाता है। ये एजेंसियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास हुनर है, इनके पास साधन है, ये किसी भी मसले को सुलझा सकते हैं। तो फिर नजीब के मसले को क्यों नहीं सुलझाया जा सका? अगर नजीब के मसले में CBI यह तर्क दे रही है कि वह कुछ फोन्स को खोल नहीं सकती है, तो इस तर्क के बारे में हम क्या सोचें? अगर वह एक सील्ड लिफाफे में क्या है, इससे सिर्फ एक बात पता चलती है कि दरअसल नजीब को खोजने में हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की पुलिस को, हिंदुस्तान की CBI को कोई दिलचस्पी नहीं है, और यह उन पर बहुत सख्त टिप्पणी है। हम ये जानते हैं कि नजीब का नाम अगर नजीब नहीं होता तो यह बेहिसी नहीं होती, ये असंवेदनशीलता नहीं होती। इसका संदेश सिर्फ एक है कि अगर आपका नाम नजीब या नजीब जैसा कुछ नाम है तो आपके लिए हिंदुस्तान में इंसाफ की जगह बहुत कम है, बल्कि नहीं है, उनके लिए भी बहुत कम है जो नजीब जैसे लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं या उनके लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे सुबोध कुमार सिंह, उनके लिए भी इंसाफ की जगह कम है, जैसे गौरी लंकेश, उनके लिए भी इंसाफ की जगह कम है। तो हिंदुस्तान एक ढलान पर है, एक फिसलन पर है। जिन्होंने हिंसा की वे सरेआम बाहर हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत में दलितों ने बंद का आह्वान किया, उस बंद के समय दलितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लेकिन उस हिंसा के का नतीजा क्या हुआ? दलितों पर ही मुकदमे हुए, दलित नौजवानों को ही गिरफ्तार किया गया, वे जेलों में डाले गए। जिन्होंने हिंसा की वे बाहर हैं। तबरेज के साथ क्या हुआ? तबरेज की मौत अपने आप हो गई।
हम सब लोग जानते हैं कि आखिर हम मरते अपने आप ही हैं, लेकिन मरने के पहले मेरे साथ जो कुछ किया जाता है वो शायद मेरे मरने की वजह बनता है। अगर आप जो कि आपके निगाह में मेरा वजूद नहीं है, और फिर यह सवाल उठेगा कि तब मेरी निगाह में आपका वजूद क्यों हो और मैं क्यों आपको मानूं। यह कहना अब तक उन लोगों ने नहीं शुरू किया है जिनके साथ यह काम किया जा रहा है, ना तो तबरेज ने, ना पहेलू खान ने, ना दूसरे अलीमुद्दीन ने और दूसरे तमाम लोगों ने। इस मुल्क में स्पष्ट रूप से जिन लोगों को यह जिम्मा दिया गया है कि वे संविधान के द्वारा दिए गए अपने दायित्व को पूरा करें, यह साफ हो गया है कि उन्होंने वह करने से इनकार करना शुरू कर दिया है। यह भी साफ हो गया है कि वे पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। जो सरकार ये कहती है कि हम दहशतगर्द को उसके घर से घुसकर निकाल लाएंगे, वो कहीं भी छिपा हो निकाल लाएंगे, वह एक गायब नौजवान को खोज नहीं पा रही है, तो उस सरकार के निकम्मेपन पर नहीं बल्कि उस सरकार की इस जानबूझकर की जा रही लापरवाही असंवेदनशीलता पर हमें विचार करना चाहिए। यह सिर्फ नजीब के परिवार का मामला नहीं है, गौरी लंकेश के परिवार का मामला नहीं है, तबरेज के परिवार का मामला नहीं है, सुबोध कुमार सिंह के परिवार का मामला नहीं है, हमारा और आपका सबका मामला है। इस देश के हिंदुओं को खासकर सोचने का वक्त है। वे ये सोचें कि उनके नाम पर यह सरकार क्या कर रही है, वो उनको आड़ बनाकर काम कर रही है, उनकी ढाल बनाकर काम कर रही है। क्या वे यह अनैतिक काम अपने नाम पर होने देना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान की पुलिस इस अनैतिक काम में शामिल होना चाहती है और उसके बाद भी उसके लोग चैन से सो पाएंगे? क्या हिंदुस्तान की सीबीआई इस अनैतिक काम में शामिल रहेगी और फिर भी वह चैन की नींद सो पाएगी? क्या इस देश की अदालतें यह सब कुछ होते हुए देखकर भी सोच पाएंगी कि वे इंसाफ कर रही हैं? यह सवाल हम सारे लोगों को करना है, इसलिए हम यहाँ नजीब के लिए जरूर खड़े हैं, हम तबरेज के लिए खड़े हैं, हम सुबोध कुमार सिंह के लिए खड़े हैं, हम जुनैद के लिए, पहलू खान के लिए, और ये फहरिस्त तो लंबी और लंबी ही होती जाती है, उन सब के लिए खड़े हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारे भी धीरज का इम्तहान हो रहा है, हम सब के जीवट का भी इम्तहान हो रहा है, हम सबको भी इसकी गारंटी करनी होगी कि हम थक ना जाएं, हम अपनी सब को छोटा ना होने दें, अपनी एकजुटता को कमजोर ना होने दें और इंसाफ की आवाज को नीचा ना होने दें। यह हमारा भी इम्तहान हो रहा है, इस इम्तहान में हम खड़े उतरते हैं कि नहीं, इस पर हिंदुस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल तय होगा। मैं ये मानता हूँ कि बेइंसाफी जितनी बढ़ेगी, इंसाफ चाहने वालों की तादाद भी उतनी ही बढ़ेगी, और मैं ये भी मानता हूँ कि इंसाफ चाहने वालों में सिर्फ वे नहीं होंगे जिनको निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इंसाफ पसंद वे भी होंगे जिनके नाम पर दूसरों को निशाना बनाया जा रहा है, इसी से उनकी आत्मा बचेगी। मैं सिर्फ उनको अपनी आत्मा बचाने की अपील करता हूँ। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।